इस वक्त हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां पर तलबा और तालबात के मुख्तलिफ थीसिस जो है वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं, और इनमें बच्चों ने मलबूसात को इतने प्यारे कलरफुल अंदाज में पेश किया है, और इनका मुख्तलिफ थीम है। इस वक्त अमीन हफीज़ जहां मौजूद हैं, ये एक सारी तालबा ने बनाई है, और वो देख सकते हैं कि सारी का कपड़ा और उसके ऊपर जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, अपनी मिसाल आप हैं। जी आप बताएंगे कि आपका ये काम क्या है, इसमें स्पिरिट क्या है और थीम आपने क्या दिया है? जी, जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मुल्तानी ब्लू पॉटरी से है। ये पाकिस्तान का एक क्राफ्ट है जो फेड हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम से एक ही जैसा काम हो रहा है, पैटर्न्स में भी कलर्स में भी। तो मैंने सिरामिक एक प्रोडक्ट को उठाया है, उसको मैं टेक्सटाइल्स में लेकर आई हूँ। मैंने होम डेकोर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने नीडल पंचिंग की टेक्निक को यूज़ किया। अब नीडल पंचिंग में एब्स्ट्रैक्शन में काम होता है, तो मेरी काम में इनोवेशन यही है कि मैंने उसी टेक्निक में डिटेल्स को अचीव किया। और अगर हम इसके डिज़ाइंस की बात करें, तो डिज़ाइंस में या सिर्फ ज्योमेट्रिक होते हैं या सिर्फ फ्लोरल होता है, तो मैंने उन दोनों का फ्यूजन किया पहले, और उसी के ही ट्रेंड्स और टोन्स में काम किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आपने ये जो आपका थीसिस है, इसमें क्या थीम है और क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं? बेसिकली मेरा टॉपिक है एलोवेरा एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, मैंने एलोवेरा प्लांट से इंस्पायर्ड होकर सारा काम किया। फर्दर मैं इस प्लांट की प्रॉपर्टीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल है। तो मैं चाहती थी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं टेक्सटाइल्स के अंदर लेके आऊँ। और फर्दर मैंने फॉर द डिज़ाइन इंस्पिरेशन मैंने इसकी माइक्रो फोटोग्राफी करवाई, माइक्रो फोटोग्राफी से इंस्पिरेशन लेके मेरे सारे डिज़ाइंस क्रिएट हुए। और उसके बाद फर्दर मैंने इस कलर प्लांट की कलर स्टडी की कि कैसे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने कलर चेंजेस आते हैं इस प्लांट के अंदर। वो कलर चेंजेस करने के बाद मेरी कलर पैलेट एक्सट्रैक्ट वहाँ से हुई है सारी। तो फिर मैंने अपने डिज़ाइंस क्रिएट करके सॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग करवाई है, क्योंकि मैंने एक मार्केट सर्वे भी कैरी आउट किया था कि अभी आके सबसे ज़्यादा स्वेटिंग और स्मेल का कंसर्न हमारे सॉक्स में होता है। एंटी माइक्रोबियल सॉक्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, डे बाई डे। तो उस वजह से मैं एक एंटी बैक्टीरियल सॉक्स हैं मेरे। अच्छा, मतलब ये सॉक्स पहन लें तो कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम आपके पाँव को नहीं छू सकते? जी ऑब्वियसली, देखिए जब स्वेटिंग होती है तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर डबल होता जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब स्वेटिंग होगी तो ये बैक्टीरिया को किल करेगा, तो वो बैक्टीरिया वहीं रुक जाएगा, उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। ले जी, NCA की एक तालबा ने ऐसा डिज़ाइन किया है मलबूसात को, और उसको सॉक्स उसकी डिज़ाइन कर दी हैं। बेटी ये कह रही है कि उसकी डिज़ाइन की हुई सॉक्स जो भी पहनेगा, बैक्टीरिया करीब ही नहीं फटकेगा, मतलब आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की एक तालबा माहनूर जहीर ने ऐसे ऐसे डिज़ाइन मलबूसात के तैयार किए हैं कि उनकी तफसीलात हम मानूर से ही पूछते हैं। जी मानूर, बताइएगा आपके थीसिस की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय टॉपिक इज़ अबाउट साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस, माय वेरी ओन एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले मैंने किया ये कि मैंने अपने एक्सपीरियंसिस को, जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प की थी, उनको मैंने राइट डाउन किया। फिर देन वर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, मैंने अपनी कंपोजिशन अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जनरेट की और फिर उनको रेंडर किया प्रोक्रिएट में। फर्दरमोर आई वांटेड टू कैप्चर द एसेंस ऑफ क्लाइडोस्कोपिक व्यू, लाइक दैट्स अ फेज ड्यूरिंग साइकेडेलिक एक्सपीरियंस। तो उसके लिए मैं प्रिंट्स और पैटर्न्स मैंने क्रिएट किए हैं। अदर देन दैट आई हैव वर्कड एज अ सर्फेस डिजाइनर और आई हैव एक्सप्लोर्ड माई प्रिंट्स एंड पैटर्न्स ऑन अ वास्ट रेंज ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, लाइक आई हैव यूज्ड सिंथेटिक जूट, आई हैव यूज्ड करेब, आई हैव यूज्ड सिल्क, कतान सिल्क, रॉड सिल्क, पैराशूट, आई हैव आर्टिकल्स इन फ्लीस एज वेल। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लोर्ड माई प्रिंट्स ऑन लाइक मेटल एंड प्लास्टिक सर्फेसेस एज वेल। अच्छा मानूर, ये बताओ ना, जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं, ये कपड़ों के ऊपर फूल बूटे, कलर्स ये यूज़ करते हैं, आपने अपनी जो मलबूसात के डिज़ाइन थीसिस तैयार किया है, इसमें कलर्स तो डेफिनेटली इस्तेमाल हुए हैं, इसमें आपने पिक्चर्स, फेस, इसको ज़्यादा नुमाया किया है? सर बेसिकली द रीज़न इज़, यहाँ पे आप पाकिस्तान में आप ज़्यादा प्रिंट्स और पैटर्न्स फूलों में ही देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स होंगे या फिर डिजिटल एलिमेंट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल ही होंगे। तो पर्सनली आई हैव दिस ओपिनियन रिगार्डिंग दैट कि आई डोंट रियली लाइक इट। हर एक अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो माई स्टाइल इज़ मोस्टली दैट आई हैव स्ट्रेंथ इन प्रिंट्स एंड पैटर्न्स, बट माई स्ट्रेंथ इज़ के आई मेक कन्वर्सेशनल प्रिंट्स, लाइक उनमें फेसिस होते हैं, उनमें एनिमल्स होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट रियली लाइक इनकरेज इन
our industry or in local market. आप क्या समझते हैं कि आपके काम की जो डिमांड है वो पाकिस्तान में ज्यादा है या बॉर्डर के उस पार है? सर, रियली द थिंग इज के वैसे तो ट्रूली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो यंग माइंड और यूथ है उनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है अभी पूरे डिस्प्ले में, तो आई एम गेटिंग अ ह्यूज एंड मैसिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड फीडबैक. सो दे आर इनकरेजिंग माई डिजाइन और दे आर बाइंग माई डिजाइन. मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी सोल्ड.